गुड इवनिंग हिमाचल। हमीरपुर उपमंडल में दो दिन के भीतर नियमों की अवहेलना करने पर 10 शादी समारोह के आयोजकों के चालान किए गए हैं। इन आयोजकों से 15,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। ये जुर्माना हमीरपुर तहसील तथा सदर थाना के संयुक्त टीम ने मौके पर ही चालान काटकर वसूल किया है। अधिकतर चालान बिना मास्क के किए गए हैं, जबकि एक चालान 50 से अधिक लोगों के शादी में एकत्र करने पर किया गया है। ये चालान तहसीलदार हमीरपुर अशोक पठानी की अगुवाई में फ्लाइंग स्क्वाड ने किए हैं। वहीं कुछ समारोह में नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। एसडीएम महोदय द्वारा 6 के करीब फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं, जो विभिन्न समारोह में जाकर के मौके पर कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना करवा रहे हैं। अगर कोई कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं उनका वायलेशन पाया जा रहा है तो मौके पर ही चालान किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा चालान जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा किए गए हैं वो बिना मास्क के हैं। जो लोग समारोह स्थल पर बिना मास्क के पाए जा रहे हैं उनका 1,000 रुपये का चालान हम कर रहे हैं, पुलिस सेक्टर के तहत, जो पुलिस पार्टी भी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा आज हमने गांव बाग कुठेड़ा में एक समारोह का निरीक्षण किया, जहां पर 50 से अधिक गैदरिंग पाई गई और मौके पर पुलिस पार्टी द्वारा 5,000 रुपये का चालान जो है वो वसूल किया गया। इसी प्रकार हमने आज कोई 10 के करीब समारोह का निरीक्षण किया है। ज़्यादा समारोह में तो कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है, लोग भी कम हैं और जागरूक हैं, लोगों द्वारा मास्क पहना जा रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालना करवाई जा रही है। लेकिन एक जगह अभी तक हमने 4-5 दिन से हम जो है जमीनी स्तर पर समारोह का निरीक्षण कर रहे हैं, अभी तक जो ज़्यादा गैदरिंग का जो चालान है वो एक ही किया गया है, उसमें 5,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। इसके अतिरिक्त 7,000 के करीब जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड है इसने कल वसूल किए थे और आज भी 4,000 के करीब जो है चालान राशि वायलेशन की हमने वसूल की है। और इसके साथ ही हम प्री मैरिज काउंसलिंग भी कर रहे हैं, जैसे जहां पर अभी कल शादियां होनी हैं, हमारी पार्टी द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि दिशा निर्देशों की पालना की जाए, सोशल डिस्टेंस, मास्क। और इसके अतिरिक्त जो एक प्रमुख चीज़ है वो जो हम देख रहे हैं वो है जो रसोइये हैं उनका हम कोविड टेस्ट देख रहे हैं कि रसोइयों द्वारा जो रिसेंटली 3-4 दिन के भीतर का जो कोविड टेस्ट है वो करवाया गया है या नहीं। एक जगह इसकी पालना नहीं, रसोइयों द्वारा कोविड टेस्ट नहीं करवाया गया था, तो इसका भी पुलिस पार्टी द्वारा पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया। पौंटा साहिब में आसन बैराज झील विदेशी परिंदों से गुलजार हो गई है। साइबेरियन पक्षी सुरखाब सहित 4 प्रजातियों के सैकड़ों से अधिक परिंदों ने आसन बैराज में डेरा डाल दिया है। आमतौर पर आसन बैराज में विदेशी परिंदों का आगमन अक्टूबर दूसरे पखवाड़े में शुरू होता है। इस बार विदेशी परिंदे कुछ देर से ही पहुंचे हैं। आज साइबेरियन पक्षी सुरखाब सहित 4 प्रजातियों के पक्षियों के झुंड आसन बैराज झील में एक साथ उतरे। डीएफओ दीपचंद आर्य, रेंज अधिकारी राजेंद्र प्रसाद हिंगवान, वन दरोगा प्रीतम सिंह तोमर, पक्षी विशेषज्ञ प्रदीप सक्सेना ने आसन बैराज में विदेशी परिंदों का आगमन दूरबीन से देखा। बिलासपुर जिला मुख्यालय पर आज फर्स्ट एचपी नेवल यूनिट एनसीसी के कैडेट्स ने लोगों को स्वच्छता व कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। स्वच्छता पखवाड़े के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के करीब 60 कैडेट्स ने शहर में नेवल विंग के असिस्टेंट एनसीसी ऑफिसर की अगुवाई में जागरूकता रैली निकाली। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए निकाली गई इस जागरूकता रैली को कॉलेज प्राचार्य ने झंडी दिखाकर रवाना किया। एनसीसी कैडेट्स ने जागरूकता नारों के साथ लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया, साथ ही कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों की पालना करने के लिए भी जागरूक किया। इसके अलावा कई पार्कों की भी सफाई की गई। यहाँ बिलासपुर के में स्वच्छता पखवाड़ा के ऊपर रैली निकाली हमने कोरोना को ध्यान में रखते हुए। हम यहाँ के मुख्य बाजारों से गुजरे तथा हमने कुछ पार्कों में भी सफाई की तथा लोगों को कोरोना के बारे में भी जागरूक करवाया। हमने पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा तथा हमने कुछ मॉन्यूमेंट्स की भी आज सफाई। जोगिंदरनगर टिकरू में कुटिया वाले महात्मा जी का आज देहांत हो गया। क्षेत्र में इस खबर से हर आमजन मायूस है। सन 1992 से कुटिया में रह रहे महात्मा सदानंद गिरी जी, जिनकी उम्र 76 साल थी, पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। देहांत की खबर सुनते ही जोगिंदरनगर सहित गांव के पूरे लोग कुटिया में एकत्रित हुए तथा संत परिवार से भी महात्माओं ने अंतिम दर्शन में भाग लिया। दलेड़ मंदिर के महात्मा लालगिरी की देखरेख में लोगों को अंतिम दर्शन करवाए गए। उनकी समाधि को पूरे मंत्रोच्चारण के साथ विदा किया गया। वहीं पूर्व मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह ने उनके देहांत पर गहरा शोक प्रकट किया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
किन्नौर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहीं किन्नौर जिला के पूह गांव 6 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। मंगलवार देर रात आई रिपोर्ट में अकेले रिकांगपी बाजार से 24 मामले पॉजिटिव आने के बाद एसडीएम कल्पा डॉक्टर मेजर अविंदर कुमार शर्मा ने नोटिफिकेशन जारी कर रिकांगपी बाजार सहित सभी बैंक व अन्य कार्यालयों को आज 10 बजे से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया है। वहीं पूह पंचायत में कोरोना के 20 नए मामले आने के बाद पूरे पूह गाँव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। ऊना पुलिस ने आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत एक उद्योग में 35 विभिन्न केसों में पकड़े गए नशीले पदार्थों को नष्ट किया। पुलिस अधीक्षक अरजीत सेन ठाकुर की अध्यक्षता में नशे के सामान को आग के हवाले किया गया। इस दौरान गगरेट बंगाणा व हरोली थाना के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने 667 किलोग्राम चूरा पोस्त, 4.759 किलोग्राम चर्स, 400 ग्राम गांजा, 3.450 ग्राम डोडा, 4.889 किलोग्राम अफीम व 6.43 ग्राम चिट्टा बरामद किया था, जिसे जलाकर नष्ट किया गया। आज हमने यहाँ पे हरोली क्षेत्र में जहाँ पे हम आज क्राइम मीटिंग करने वाले हैं, उससे पहले आज हमने यहाँ पे जो एनजीपीएस के हमारे पुराना माल खाने के केस प्रॉपर्टीज पड़ी थी, जो डिस्पोजल के लिए हमको माननीय बोर्ड से जो है इनके आदेश मिल चुके थे, उनका आज हम डिस्पोजल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पुलिस की एक कमेटी बनी है, जिसके साथ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ है। तो उसमें हमने आज टोटल जो है लगभग 650 किलोग्राम जो है और कम से कम 5 किलो चरस के अलावा 400 ग्राम गांजा और लगभग 4.5 किलो ओपियम और 7 ग्राम हेरोइन जो है उसका डिस्पोजल कर रहे हैं। और जो भी हमारी केस प्रॉपर्टी माल खाने में पड़ी रही है, काफ़ी टाइम से लंबित है, जिनका डिस्पोजल में अभी कोई डिले रहा है, उसको हम आज जो है यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, यानी इन सेपरेटर में डाल के डिस्ट्रॉय किया।